गोरखपुर से नरकटियागंज जाने वाली सवारी गाड़ी के इंजन में एयर लीकेज हो जाने के कारण ट्रेन वाल्मीकि नगर और पनियहवा के बीच रुक गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन वाल्मीकि नगर रोड स्टेशन से खुली, यूएल वॉल्व से लीकेज होने लगा और गाड़ी पुल संख्या 382 पर खड़ी हो गई। ट्रेन में बैठे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यूएल वॉल्व पुल के बीचों बीच लीकेज हुआ और ऐसे में उसे बंद करना चुनौती भरा काम था। इस आपातकालीन स्थिति में ट्रेन के लोको पायलट अजय यादव और सहायक लोको पायलट रंजीत कुमार ने साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना किसी तरह से पुल पर होते हुए ट्रेन के नीचे पहुंचे, जहां वॉल्व को ठीक किया और सुरक्षित आगे के लिए यात्रा शुरू की गई। इस साहस के लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा दोनों को ही पुरस्कृत किया जाएगा।